हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक वायरल प्रोडक्ट लेके आई हूँ और उसका रिव्यू लेके आई हूँ, जो कि हमारे पास ऑर्डिनरी का AHA BHA 30% पीलिंग सॉल्यूशन है। ये काम करता है या नहीं है, इसके क्या डूज एंड डोंट्स, ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो AHA और BHA होता क्या है? बेसिकली AHA अल्फ़ा हाइड्रोऑक्सी एसिड होता है, जो कि ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड जैसे एसिड से मिलके बना होता है, और ये स्किन के अंदर जाके स्किन के डेड स्किन को रिमूव करता है, स्किन पे ग्लो और रेडियंस लाता है और टेक्सचर को भी रिमूव करता है और उसको फ्लैट करता है, स्किन को क्लियर करता है। BHA जो है वो सैलिसिलिक एसिड होता है, जो कि डीपर स्किन के लेयर के अंदर जाके हमारे क्लॉग पोर्स होते हैं उनको अनक्लॉग करता है और एक्ने को टारगेट करता है। ये दोनों मिलके स्किन टोन को और स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, क्लियर करते हैं स्किन को। अब इसके हम प्रिकॉशंस देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके साथ लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बॉटल ओपन करने के एक साल के अंदर अंदर आपको इसको ख़त्म करना होता है, क्योंकि एक साल के बाद आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसकी बॉटल के अंदर ये मेंशन है। इसको आप किसी भी और केमिकल या सीरम के साथ, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, सब सीरम्स के साथ या केमिकल्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। केमिकल एक्सफोलिएंट्स को यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूरी है। पैच टेस्ट किसी भी आप सेंसिटिव एरिया पे अपने स्किन के लाइक बिहाइंड द ईयर्स, इस तरह से आप लोग अपना पैच टेस्ट कर सकते हैं 24 आवर्स इन सॉल्यूशंस को यूज़ करने से पहले। इनको लगाने के बाद यूवी रेज के अंदर नहीं जाने, और अगर जाएंगे तो सनस्क्रीन लगा के जाएंगे। नाइट और डे में दोनों में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। ओवर यूज़ करना सही नहीं है, ओवर यूज़ करने से आपकी स्किन जो है वो रिएक्टिव हो सकती है, इरिटेटेड हो सकती है। अपनी आंखों से इसको दूर रखना है, और जो इस पर टाइम लिखा हुआ है 10 मिनट, इसका टाइमर लगा के आप इसको यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव या ओवर रिएक्टिव है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप इसको केमिकल एक्सफोलिएंट नए नए यूज़ करें तो एकदम से यूज़ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके अपनी रूटीन के अंदर इसको शामिल करना है। अब आते हैं बेसिक बात पर, जिसके लिए अभी तक आप वीडियो के अंदर रुके हुए हैं, इसके इफेक्ट्स और इसके रिजल्ट्स। इसके प्रोडक्ट्स को, पीलिंग सॉल्यूशन को, नायसिनमाइड को मैं पिछले 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ, एंड इट डज वंडर्स टू माय स्किन। मुझे बहुत ख़तरनाक मीलिया हुआ था जो कि इसने इसको रिमूव किया। कभी कभी इसको और कभी कभी नायसिनमाइड को यूज़ करके मेरी स्किन में मीलिया रिमूव हुआ, मेरी स्किन की टोन इम्प्रूव हुई, टेक्स्चर इम्प्रूव हुआ, ब्राइट हुई स्किन, ब्लेमिशेस, एक्ने, स्कार्स, ये सब कुछ चले गए और मेरी स्किन क्लियर, शाइनी, ब्राइट और स्मूथ और सॉफ्ट हो गई। इसके बॉक्स के ऊपर जो भी प्रिकॉशंस लिखे हैं उसको रीड करके यूज़ करिएगा और 10 मिनट्स का टाइमर लगा के यूज़ करिएगा। ये एक थिक रेड कलर का, डार्क रेड कलर का एक मिक्सचर होता है, जिसके रिजल्ट्स आपको बहुत अमेजिंग मिलने वाले हैं। इसको वॉश और क्लियर स्किन पे क्लेंजिंग करने के बाद यूज़ करिएगा, लेकिन इसके साथ कभी भी स्क्रब या कोई भी फिजिकल एक्सफोलिएंट यूज़ नहीं करना है। आप लोगों को रिजल्ट दिखाने के लिए मैंने इस डब्बे के एक साइड पे ये एसिड उसी वक्त अप्लाई करके चेक किया था, और इसके बाकी तीनों साइड बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं, जो आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैंने हाथों में भी अप्लाई करके आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। इसके रिजल्ट्स ट्रूली बहुत अमेजिंग है, अगर आप इसको प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करें तो। सब्सक्राइब।